सबसे पहले आपको बीकर लेना है डिस्टिल वाटर। 5-10 चाहिए हमें। 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड एंड लिक्विड डिटर्जेंट। चलो बेटा, ML डिस्टिल वाटर अभी हमने लिया है बीकर में। अब हम इसके अंदर 10 ML डिटर्जेंट मिक्स कर रहे हैं। बेटा ग्लास रॉड लेके आओ। अब हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट। डिस्टिल वाटर, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 10 ML लिक्विड डिटर्जेंट। अब हम ग्लास रॉड की हेल्प से इसको मिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है, आपको एक प्लास्टिक जिपर चाहिए बनाना, जिसका आपको DNA एक्सट्रैक्ट करना है, और एक ब्लेड कटर। ठीक है, ठीक है, चलो। ये जो हमने सोल्यूशन बनाया था NaCl डिटर्जेंट एंड डिस्टिल वाटर को यूज करके, ये हमने जिपर में डाल दिया है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप बताओ बच्चों। मैश करो। आपको बनाना को अच्छे से मैश करना है और इस सोल्यूशन के साथ बिल्कुल उसे मिक्स कर देना है। जो डिटर्जेंट प्रेजेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने वाला है, तो पहले उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक करनी है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो डिटर्जेंट के अंदर बनाना को थोड़ा ज़्यादा देर रखें ताकि डिटर्जेंट अपना काम अच्छे से करे और जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर आ जाए। जो हमने बनाना को डिटर्जेंट एंड NaCl के साथ मैश करके रखा था, अब हम उसे एक सीव की हेल्प से बीकर में फिल्टर कर रहे हैं। ओके, ये क्या है, ये हमारा फिल्टरेट जो हमने छलनी में से छानने के बाद जो हमें ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्टेप है, इसके अंदर हमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करनी है, उसके बाद हमारा जो DNA है वो ऊपर फ्लोट करेगा। तो अब एक्सपेरिमेंट का लास्ट स्टेप, हम फिल्टरेट के अंदर चिल्ड इथेनॉल को ऐड कर रहे हैं। स्पूलिंग करो बेटा। ये देखिए, ये जो है ये हमारा DNA एक्सट्रैक्ट हो गया है। आप चाहो तो इसको स्लाइड पे लेकर और माइक्रोस्कोप में देख भी सकते हो। सबको क्लियर है? यस मैम। स्पूलिंग क्या होता है, जब आप एक रॉड की हेल्प से, नेडल की हेल्प लिए हमने, तो जब हम इसे एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस होता है स्पूलिंग एक, आपको इसमें रॉड को ऐसे मूव करना है सर्कुलर मोशन में और DNA को ऊपर उठा लेना है, जैसे अभी इसने किया। देखो ये DNA है, क्लियर? यस मैम।